हेलो दोस्तों, पहली वीडियो लाइक करने के लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और सबसे पहले वही यूट्यूब की ट्रेडिशनल लाइन कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे जो रेड बटन है उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि डाइस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले जो 10-15 मिनट की वीडियो थी पहली, उसमें हमने डाइस के कॉन्सेप्ट क्लियर करे, एक दो टाइप के जो डाइस के क्वेश्चंस थे वो हमने देखे। अब हम इस पे जो प्रीवियस ईयर के एसएससी में 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे करते हैं। ठीक है, जिसकी पीडीएफ हमने अपने ग्रुप में डाल दी है, फेसबुक ग्रुप पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में तीन डाइस बने हुए हैं, लिखा हुआ है एन पी क्यू आर पी जेड और जेड एन एस। ये 2017 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एन के विपरीत फलक पे बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने आप करने के लिए इसको ट्राई करना, उसके बाद में देखते हैं। अब एन हमें इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ठीक है। इसमें एन के साथ हमारा पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो और अगर हम देखें पी क्यू और किसी में मिल रहा है, दोनों कॉमन नहीं। अच्छा, एन के साथ जेड एस मिल रहा है, जेड एस भी और किसी में कॉमन नहीं है, तो हम कोई भी चाहे ये दो ले ले पासे, चाहे ये दो पासे दे सकते हैं और उसमें से हम अपना कॉमन ले सकते हैं। इसमें हमें कॉमन फेस मिल रहा है पी, तो हम पॉइंट से पी की ओर एरो बनाएंगे, इधर भी और इधर भी। हमें चाहिए एन का अपोजिट, तो हम एन की तरफ तीर लेकर के आएंगे और इसमें इसको हमें एंटी क्लॉक वाइज चलाना पड़ा, इस तीर को भी एंटी क्लॉक वाइज चला करके आर की साइड आ जाएगा ये हमारा तीर, तो एन का अपोजिट हमारा आर आ जाएगा। ये चीज़ें पहले वीडियो में ज़्यादा अच्छे से क्लियर की गई हैं, इसमें थोड़ा सा जल्दी चीज़ें बताई जाएंगी, तो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए पहला वीडियो जरूर देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दो कुछ पास दिए हुए हैं, पाँच छः एक और चार पाँच दो। इसमें पूछा गया है चार का अपोजिट अंक बताओ। इसमें इसमें कॉमन दिया हुआ है फाइव, ठीक है। तो हम फाइव की ओर मिड पॉइंट से पाँच की ओर तीर बनाएंगे, इधर भी पाँच की ओर तीर बनाएंगे। हमें चाहिए चार का अपोजिट, इसमें है चार, इस तीर को चार की ओर घुमाएंगे यानी कि एंटी क्लॉक वाइज, तो इसको भी एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके हमें मिल जाएगा एक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी पासे दो बने हुए हैं और इसमें आप अपोजिट बता सकते हो। अगले क्वेश्चन भी सेम है, उसके अगला भी लगभग लगभग सेम है, उसके अगले आता है हमारा ये खुला पासा। ओके, खुले पासे का ये क्वेश्चन है, इसमें ये स्टार बना हुआ है, सर्कल, ये कुछ ऐसा वाला स्टार और ये प्लस ब्लैंक सर्कल। इसमें पूछा गया नीचे कौन सा पासा बन सकता है, सॉरी कौन सा पासा इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक पासा ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता है। आपके पास पीडीएफ होगी, आप लोग पीडीएफ में से चेक करेंगे। सबसे पहली चीज स्टार और ये प्लस, ये एक दूसरे का अपोजिट है यानी कि ये एक साथ नहीं आ सकता। दूसरी चीज ये वाला स्टार और ये डॉट्स, ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये एक साथ नहीं आ सकते। और तीसरी चीज ये, यानी कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के साथ नहीं आ सकता। तो हम इसमें देखेंगे, पासे में देखेंगे, जिसमें भी ये दोनों एक साथ होंगे वही हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर टू कुछ ऐसा बना हुआ है। तो देख रहे हो ये चार डॉट और ये स्टार इधर वाला, ये एक साथ आ गए जो कि नहीं आने चाहिए थे, इसलिए ये वाला हमारा पासा नहीं बन सकता, बाकी सारे ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले पासे का, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही है, कर लेंगे आप लोग। उसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से लेक्चर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा है कुछ,
ये पूरा ब्लैक हो रखा है, इसमें क्रॉस बना हुआ है, ये डॉट है, ये भी डॉट है और यस। इसमें पूछा गया कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यानी कि वही चीज फिर से, ये इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ब्लैंक, इसका अपोजिट ब्लैक और इसका अपोजिट ये तीनों एक साथ, ये इसके साथ नहीं आ सकता, ये इसके साथ नहीं दिख सकता, ये इसके साथ नहीं दिख सकता। जिस भी आकृति में ये तीनों ऐसी कंडीशन ना बन रही हो कि तीनों साथ साथ में दिख रहे हो, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला हमारा ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ डॉट है और यहाँ पर, अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा स्क्वायर शेप में था तो ये वाला हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा बना हुआ है। तो आप देख रहे हो डॉट और स्टार एक साथ आ गया, तो ये ऑप्शन बन सकता है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन, ये ब्लैक हो रखा है, ये दोनों एक साथ आ गए, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर चार है, ऑप्शन नंबर चार हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है, ये और ये देखो, एक यहाँ से उठाया गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से उठाया गया, तो एक दूसरे के अपोजिट वाले फेस इसमें नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये वाला हमारा आंसर सही है। ओके ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वही तीन कॉन्सेप्ट ही जनरली लगते हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एसएससी ने कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत भी पूछे थे जो कि हम खासकर उन्हीं को नोटिस करके बता रहे हैं, जैसे कि एक ही क्वेश्चन है, ये तीन पासे बने हुए हैं, ये अल्फा, ये बीटा, गामा, डेल्टा, बीटा, थीटा, थीटा, अल्फा और ये सर्कल वाला, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है अल्फा के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, तो आप देख रहे हो अल्फा इधर है, इधर भी है, तो आप कोई भी जिसमें अल्फा, दोनों अल्फा अल्फा वाले हम कॉमन नहीं ले सकते, उनके उनसे हमारा आंसर नहीं आएगा, इसको लेकर के हम निकाल सकते हैं। इसमें हमारा कॉमन बीटा है तो बीटा की ओर एरो बनाएंगे मिड पॉइंट से, और हमें अल्फा का अपोजिट चाहिए तो अल्फा की ओर तीर लेके जाएंगे, तो हमें क्लॉकवाइज ले जाना पड़ा, तो इसको भी क्लॉकवाइज ले जा करके हम थीटा मिल जाएगा हमें अपोजिट इसका। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम इसको इसको लेकर के सॉल्व करते हैं तो इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है, थीटा की ओर तीर बनाएंगे, ठीक है, तो थीटा की ओर तीर बना करके हम अल्फा की ओर ले जाना चाहें तो ये हमें क्लॉकवाइज ले जाना पड़ेगा, तो इस वाले में भी हमें क्लॉकवाइज ले जा करके हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा मिल रहा है। तो अगर हम अल्फा के हमें कितने अपोजिट मिल गए, दो अपोजिट मिल गए जो कि गलत है, और हमारे पास दोनों ऑप्शन में थे, बीटा भी था, डेल्टा भी था और ये सिंबल जो भी है, तो हम कौन सा लगाएं, ये लगाएं या ये लगाएं, तो दोनों ऑप्शन सही थे, जिसने भी कोई भी लगा दिया दोनों में से, वो दोनों एसएससी ने सबको आंसर दिया, सॉरी सबको नंबर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एसएससी ने कुछ इस तरीके से पूछा है ये क्वेश्चन, ऐसा है कुछ, ये जी बी वाई आर ओ आई, अब इसमें अल्टरनेट हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें ऑप्शन से पता लगा सकते हैं कि जी बी एक साथ में है तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता, आई आर एक साथ है एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता, ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता, या फिर हम इसमें ये सोच सकते हैं कि जी का अपोजिट ऐसे याद रख सकते हैं, जी का अल्टरनेट आर है, वाई का आई है और ओ का बी है, तो B का अपोजिट O हो जाएगा, I का हो जाएगा हमारा Y और G का हो जाएगा R, तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों साथ में नहीं आने चाहिए, मतलब B के साथ O नहीं आना चाहिए, I के साथ Y और G के साथ R नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई अगर हमें ऑप्शन मिलता है तो हम उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। और लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो आप फेसबुक पेज पे टाइप कीजिए, उसको भेज दीजिए, कोशिश किया जाएगा कि वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको या तो वीडियो लेक्चर में
या फिर किसी और माध्यम से दिए जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो एज होगा। एज क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके एक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो वो भी छोटा सा ही टॉपिक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एज के साथ। ओके, थैंक यू। अच्छा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा और भी लोगों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू।